Hi friends, welcome back to the Pragmatic Lupa. जैसे कि आपको पता ही है, ये इस सीरीज कोजी डेन का सेकंड पार्ट है। यहाँ भी आप देख सकते हैं किस तरह से सिंपल एलिमेंट्री चीजों से बिना किसी एफर्ट के घर के किसी भी ट्रिकी जगह को रिवैम्प कर सकते हैं। गियर शिफ्ट करें डल मोनोटोनिसिटी से एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लाने के लिए। क्या आप बजट में हैं? तो थोड़ी देर के लिए यहीं टिके रहें। परफेक्ट जगह है, जाने होम डेकोर के लिए बहुत खर्च करने की जरूरत ही नहीं। आसान और जल्द बनने वाले DIYs भी वंडर्स कर सकते हैं घर में एक सूदिंग ड्रीमी एम्बियंस क्रिएट करने में। ये बस पहले वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है, जिसमें और नए आइडियाज दिखेंगे अपने घर में यूनिक फोकल पॉइंट्स खुशी एम्बियंस के साथ साथ लग्जूरियस फील दिलाते हैं। अपने फ्री टाइम को कुछ प्रोडक्टिव बनाने में यूज करें, जो थेरेप्यूटिक भी है। खैर, अगर अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा तो ऊपर दिए लिंक चेकआउट करें, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, जो आपके आइडियाज को स्ट्रक्चर देने के साथ साथ पता चलेगा कैसे सब स्क्रैच से शुरू हुआ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला है पाइन कोन्स, एज इन पाइन कोन से भरा लैंटर्न, जिसके लिए चाहिए पाइन कोन्स। ऑफ कोर्स जॉग या इवनिंग वॉक्स पे जाते वक्त साइड वॉक से ये ड्राई पाइन कोन्स कलेक्ट करती रहती हूँ, और कुछ मेरे आंगन से जिसके लिए मेरे हस्बैंड हमेशा मेरी टांग खींचते रहते हैं जैसे कि मैं कोई कचरे वाली हूँ जो जहाँ देखो कचरा ही उठाते रहती हूँ। दो मैं कन्विंस करने के लिए कहती हूँ, इट्स ऑल अबाउट फ्रुगल लाइफस्टाइल हनी, क्या खराबी है अगर कुछ चीजें हमें एकदम फ्री मिल जाए, जिसको लोग पैसों से दुकान से खरीदते हैं। इससे एनवायरनमेंट की भी मदद हो जाती है, एक विन विन सिचुएशन। पर एज यूजुअल मेरे इस लॉजिकल और फ्रुगल एक्सप्लेनेशन उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगते। नेवर माइंड। और हाँ, प्लीज एक्सक्यूज मेरे पील्ड क्यूटिकल, शायद डिहाइड्रेशन एक्सेसिव हैंड वॉशिंग से। एनीवेज ये रेलेवेंट नहीं है। एक बार सारे साइजेस में हो तो ब्रश से कोई भी एक्रिलिक पेंट से पेंट करे, कॉपर सिल्वर गोल्डन व्हाइट, जो दूसरे डेकोर पीसेस को कॉम्प्लीमेंट करे। आप सिर्फ बॉर्डर्स पेंट कर सकते हैं। ध्यान दें, नीचे भी अच्छे से पेंट करें। दिख रही है ना कितनी सुंदर सी। ऑफ कोर्स ये छोटे वाले भी कोई कम नहीं है, पर जब वाइट से करेंगे ये जो वेल डिफाइंड कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है, बिना तारीफ किए रुक नहीं पाओगे। आप अंदर भी पेंट कर सकते हैं एक कंप्लीट ऑर्नामेंटल लुक के लिए। और जैसा कि मुझे नेचुरल रॉ लुक अच्छा लगता है, किसी में अनफिनिश्ड वर्क किया ताकि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा नेचुरल पाइन दिखता रहे। इनके साथ साथ घर में कुछ और फिलर्स भी थे, कुछ बहुत पहले बनाया था, फ्लोरल फोम बॉल में डेकोरेटिव फेदर्स चिपका के, और कुछ दुकान से खरीदा था। इन फिलर्स को रैंडमली लैंटर्न में भरें और अपने प्रेफरेंस के अनुसार लुक को एडजस्ट करते रहें। ऐसे दो बैटरी ऑपरेटेड LED माइक्रोफेरी स्ट्रिंग लाइट्स यूज किया ग्लो कंपोनेंट ऐड करने के लिए। एक सच्ची बात बताऊं, इस लुक में पाइन्स के ब्राउन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने प्लान किया था इस लकड़ी का ये नेचुरल ब्राउन वुडी साइड ऊपर की तरफ रखने के लिए, ताकि वो दिखे, जो पहले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था। बट सो सॉरी, दिमाग से स्लिप हो गया। ऐसा नहीं कि ये टिंट ऑफ व्हाइट वाला साइड कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, बस ये है कि मेंशन किया था पहले तो सोचा बता दूं
इनके सोचते रहोगे किस डेकोर के लिए वो ब्राउन साइड यूज किया। इन ब्रांचेस को जो पहले वीडियो में देखा था, एक और वेरिएशन के लिए ये व्हाइट स्ट्रिंग लाइट्स ऐड करें। बस वास के बेस में घुमाते रहें ताकि ग्लो नीचे से उभर कर आए। ये सूदिंग ड्रीमी एम्बियंस और ट्विंकलिंग स्टार्स इफेक्ट पाने के लिए इन ब्रांचेस को दूसरी तरह एनहांस करें। ये दो बैटरी ऑपरेटेड एलईडी माइक्रोफेरी स्ट्रिंग लाइट्स कॉपर वायर से वार्म व्हाइट ग्लो कॉपर और सिल्वर कलर में। ये कॉपर से बना है इसीलिए अच्छे से बेंड हो जाता है। ब्रांचेस के ऊपरी हिस्से में रैप करें जो वास के हाइट के ऊपर रहे और बाहर दिखे। सिल्वर ब्रांचेस के व्हाइट कलर से मिल रहा है, पर मेरे पास सिर्फ एक ही है इसीलिए घर में पड़ा हुआ कॉपर कलर वाला भी यूज कर लिया। वैसे भी चौड़ाई में काफी पतली है जो आंखों को नहीं चुभेगी। वैसे ये फ्लिकरिंग सेटअप ट्विंकलिंग स्टार्स की तरह ही लग रहे हैं और ये सिल्वर कॉन्स्टेंट वाला है। इन दो स्ट्रिंग लाइट से ज्यादा ब्रांचेस कवर करने की कोशिश की है। एक बार सब अच्छे से सेट होकर लाइट जलाने पर कितना अनोखा सा दिख रहा है ना, बिल्कुल रोमानी सा। मन करता है इसके वार्म्थ के बाजू में लेट जाएं। परफेक्ट एम्बियंस इस लॉकडाउन में हमारे मूड को पेप अप करने के लिए। आई एम श्योर आपके गेस्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए ये एक सुनहरा कारण बनेगा। ऑफ कोर्स लॉकडाउन के बाद और कोई बिना आपके घर को कॉम्प्लीमेंट किए जा ही नहीं सकता। ये इसलिए नहीं कह रही क्योंकि ये मेरी क्रिएटिविटी है, पर लिटरली मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। इसके वजह से इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं कि अब तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। आशा है आपको मेरी ये क्रिएटिविटी पसंद आई होगी, या अगर ये वीडियो आपके किसी काम आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन वीडियोस को बनाने में। प्लीज एक्नॉलेज करें लाइक या सब से अगर अभी तक नहीं किया। स्टे ट्यून्ड मेरे इस सीरीज के आने वाले वीडियोस में और ऐसे इंटरेस्टिंग डेकोर आइडियाज जानने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।